बरेली के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुरुवार की दोपहर को उसका शव किच्छा नदी के किनारे बरामद हुआ। सूचना पर एसपी देहात मुकेश चंद्र मिश्र, सीओ बहेड़ी डॉक्टर तेजवीर सिंह, पुलिस टीम संग मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव का पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव निवासी 24 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार बुधवार की रात खाना खाने के बाद लापता हो गए थे। मृतक के पिता झांझनलाल ने बताया कि 20 घंटे बाद गांव से 1 किलोमीटर दूर उनका शव मिला। उनके सिर में गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक की बहन हेमवती और विनोद कुमारी ने 3 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था, भाई विरोध करता था इसलिए उसकी हत्या कर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 23 नवंबर को सायंकाल थाना शेरगढ़ के ग्राम मोहम्मदपुर में गांव के ही बगल में बहने वाली किच्छा नदी के तट पर गांव के ही एक 25 वर्षीय युवक का शव पड़ा हुआ मिला। इस सूचना पर समस्त अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया है। प्रथम दृष्टया शव के गले पर लिगेचर मार्क तथा सर पर चोट के निशान हैं। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने गांव के ही 4 व्यक्तियों पर हत्या कर शव को वहां फेंक के जाने का आरोप लगाया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और शीघ्र ही घटना का संपूर्ण खुलासा कर आवश्यक विधि कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी।